इधर साइबर सिटी गुड़गांव की ओर रुख करते हैं, जहां पर जाट आंदोलन की आशंका पर शहर भर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आपको बता दें कि जिन इलाकों में पिछली बार सड़क जाम धरना प्रदर्शन किया गया था, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जाट आंदोलन की आशंका पर शहर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिन इलाकों में पिछली बार सड़क जाम और धरना प्रदर्शन किए गए थे, वहां पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में सड़क जाम या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस आयुक्त नवदीप सिंह विर्क ने अपने कार्यालय में इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रेल मार्ग और सड़क मार्ग किसी भी हाल में बाधित नहीं होना चाहिए। यदि कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो नियमानुसार कार्रवाई करे। सभी एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि वो अपने इलाकों का दौरा करते रहे, गांवों का भी दौरा करें। कहीं भी व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना है ताकि वो शांति बनाए रखे। बिल्कुल शांति है और सभी जगह पुलिस पहले से ही तैनात थी और हर चौक चौराहे पर हर पॉइंट्स पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन लोगों का जो साथ है वो बहुत अच्छा है। लोगों ने जैसा कहा कि हम ऐसा कोई आंदोलन अराजक तत्व की तरह नहीं करेंगे और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का कोई आंदोलन किया है। ये अच्छा सहयोग अभी तक चल रहा है और गुड़गांव बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सभी के साथ पुलिस बल होगा, आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिस महकमे की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं, जो 24 घंटे कंट्रोल रूम में रोटेशन के आधार पर तैनात रहेंगे। पुलिस आयुक्त ने लोगों से कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना होने पर 100 नंबर पर सूचना देने की अपील की है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। उन्होंने आंदोलन करने वालों से अपील की है कि वे संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात शासन प्रशासन के सामने रखें।